अमेरिकन इन्वेस्टर पीटर लिंच ने कहा था, इफ यू डोंट स्टडी एनी कंपनीज यू हैव द सेम सक्सेस बाइंग स्टॉक्स एज यू डू इन अ पोकर गेम इफ यू बेट विदाउट लुकिंग एट योर कार्ड्स। भाई आसान भाषा में कह रहे हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में आपको पैसा बनाना है तो भाई आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिमाग के घोड़े तो दौड़ाने ही पड़ेंगे, और अगर ऐसा ना किए तो पोकर हो या स्टॉक मार्केट, भाई एक ना एक दिन मुंह के बल तो गिरना ही गिरना है। सो फॉर दैट हम आ गए हैं आपके पास टू डू कंपनी एनालिसिस, टू बी बेटर इन टू स्टॉक मार्केट। और पोकर की बात आ ही गई है तो क्यों ना आज देखा जाए एक गैम्बलिंग इंडस्ट्री को। सो यस फ्रेंड, आज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन कैसीनो कंपनीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब जो सबका बाप है इंडिया में कैसीनो के फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, उसका आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, और पसंद आया तो यार लाइक भी कर देना। तो आज की कंपनी जो है इज डेल्टा कॉर्प्स लिमिटेड, द बिगेस्ट कैसीनो एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन इंडिया सो फार। बहुत ही बड़ी कंपनी है, स्टॉक मार्केट में बहुत ही वेल नोन है, इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक बहुत भी पसंद आते हैं। हम देखेंगे अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये इन्वेस्टर्स की इतनी फेवरेट कंपनी क्यों है। तो कमिंग टू द प्रोडक्ट्स, बहुत ही वेल नोन कैसीनोज हैं इनके, मोस्टली गोवा में, सिक्किम में, दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग आउट ऑफ इंडिया। सो डेल्टिन रॉयल इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल, डेल्टिन जैक है, कैरावेला है, डेंजोंग है, डेल्टिन ऑब्वियसली सूट्स है, एंड ऑल्सो दे आर कमिंग अप विथ अड्डा 52, विच इज एन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आप पोकर काइंड ऑफ गेम्स खेल सकते हैं। सो दे आर रियली द वन जिसने इस इंडस्ट्री पे पूरा कब्जा करके बैठा है, ऐसा कहने में बिल्कुल ही संकोच नहीं होगा। दे आर रियली अ वेरी बिग कंपनी। उसके साथ साथ डेल्टा कॉर्प्स इज द ओनली लिस्टेड गेमिंग एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनी इन इंडिया, और कोई भी कंपनी नहीं है इस सेक्टर में जिन्होंने अपने आप को लिस्ट किया है एनएससी में और बीएससी में। सिर्फ डेल्टा कॉर्प्स है, एक तरह से मोनोपोली कह सकते हैं व्हेन इट कम्स टू स्टॉक एक्सचेंज। कौन है ये तो हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देख लिया, लीडिंग कंपनी है गेमिंग के इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी के इंडस्ट्री में, दोनों एनएससी और बीएससी पे है, विथ मार्केट कैप ऑफ 0.8 बिलियन। भाई बहुत पैसा है इन लोगों के पास। जो इनके चेयरमैन है वो मिस्टर जावेद जी हैं। बात करेंगे इनके बिजनेस स्ट्रेटेजी के, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है भाई। आज के कॉम्पिटिटिव दुनिया में स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और लोगों के पास पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि लोगों का स्ट्रेस भी कम करे और पैसे भी कम करे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में ही, कि लोग इसको एंजॉय कर सके, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एक इल्यूजन में ही ना सही लेकिन वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख सके। दैट इज देयर बेसिक बिजनेस स्ट्रेटेजी। कैसीनोज और हॉस्पिटैलिटी के ये सर्विसेज दे रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन मार्केट में भी ये लोग घुस चुके हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। लीडिंग जो गेमिंग ऐप है ऑफ गैम्बलिंग और कैसीनो टाइप गेम्स, तो इनमें ये लीड कर रहे हैं ऑलरेडी। जो की बिजनेस सेगमेंट है इनके, तो पहले तो जो बहुत ही बढ़िया इनका है कि ऑफशोर गेमिंग बोट्स हैं, बढ़िया से क्रूज में बैठ के गैम्बलिंग कर सकते हो, मस्त, यू कैन एंजॉय योर ड्रिंक्स, यू कैन हैव ऑल द लीजर्स दैट यू नीड टू बी आउट ऑफ स्ट्रेस। सो दैट इज वन ऑफ देयर बेस्ट ट्रेडमार्क बिजनेस स्ट्रेटेजीज यू कैन से। दे ऑल्सो हैव होटल्स ऑफ शोर्स एंड गोवा में बहुत ही फेमस है, ये लोग दमन में भी हैं, सिक्किम में भी, एंड वो नेपाल में भी अब एक्सपांड कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड आउट ऑफ इंडिया एज वेल। और साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कौन नहीं है आजकल, सब लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, कि जो लोग एक्सेस ना कर सके गोवा, दमन, सिक्किम जैसे जगहों पे, वो ऑनलाइन ही ये सब खेल सके। अब जो इनके की इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स हैं, तो पहले तो इन्होंने पहले समझ लिया कि इंडिया में अब गेमिंग बूमिंग है, वेदर इट इज ऑनलाइन और ऑफलाइन, ग्राउंड पे हो या ऑनलाइन गेमिंग हो या इंडोर गेम्स हो, लाइक पोकर, लाइक ऑल द गैम्बलिंग गेम्स, तो इसका बूम चल रहा है इंडिया में एंड पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड मोर एंड मोर। सो ये इन्होंने बहुत ही जल्दी रिकग्नाइज कर लिया एंड दे हैव सेट अप अ ह्यूज बिजनेस ऑन दैट आइडिया इटसेल्फ।
लार्जेस्ट कंपनी तो है ही, अगर गेमिंग के मामले में देखा जाए फर्स्ट मूविंग एडवांटेज है। अब जरूरी तो नहीं है, लेकिन जो पहले प्रपोज करता है लड़की को, चांसेस ज्यादा है कि लड़की हाँ बोल दे। वैसे ही इन्होंने भी सबसे पहले इस बिजनेस में अपना कदम रखा था और उसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज इन्होंने अपने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया है, एंड फर्स्ट मूविंग स्ट्रेटेजी का बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन किया इन्होंने। इनके इन्वेस्टमेंट हाइलाइट्स देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम भी इनमें इन्वेस्ट कर सके। तो उसके लिए हम इस पे बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत ही, इट इज द लार्जेस्ट एंड ओनली लिस्टेड ऑपरेटर इन गेमिंग मार्केट इन इंडिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका कॉम्पिटिटर वैसे है नहीं। अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो ये बहुत ही बड़ा इनके लिए एडवांटेज है। सेकेंड कम्स टू गेमिंग मार्केट, बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा है इंडिया में। सो दैट इज अनदर एडवांटेज कि फ्यूचर में भी इनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एक्सपांड करने के लिए। ये देख के ये ऑलरेडी एक्सपांड करना चालू कर दिया इन्होंने इवन आउट ऑफ इंडिया। फर्स्ट मूविंग एडवांटेज तो है ही इनके पास, सबसे पहले आए थे इंडस्ट्री में और पैर जमा के बैठ गए हैं कि आओ भाई कोई भी आओ, लेकिन हम लोग तो ग्रोथ करने ही वाले हैं। साथ में ये ऑनलाइन में भी आ रहे हैं। अब ऑनलाइन का ये फंडा है कि भाई सब लोग ऑनलाइन पे एटलीस्ट ट्राई तो करते ही हैं, और उनमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि कुछ लोग इसको अपना लें, कुछ लोग इसको एडिक्टिव हो जाएं। सो दैट इज अनदर ह्यूज स्कोप फॉर डेल्टा कॉर्प टू ग्रो, टू एक्सपांड। दे आर ऑलरेडी इन टू द ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड दे आर डूइंग रियली गुड इन टू इट। और मैनेजमेंट टीम तो इनकी सॉलिड है ही, इनको पता है कि लोग क्या चाहते हैं और उसी हिसाब से ये अपने जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, उसी तरह से कंटिन्यूअसली अपग्रेड करते रहते हैं। दे हैव टेकन अ ह्यूज एडवांटेज ऑफ जो भी उनका ज्योग्राफिकल सिलेक्शन है, उसका भी बहुत अच्छा एडवांटेज ले रहे हैं। सो इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट कितनी अच्छी है। अब गोवा जैसे शहरों में अगर बंदा चाहे भी ना, तभी भी वो शायद पोकर खेल के आ ही जाए मूड मूड में। तो दैट इज बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये दिखाता है कि उनके मैनेजमेंट जो है वो कितना है, क्या कहते हैं कि इफेक्टिव है, एंड दे आर रियली डूइंग गुड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। डेल्टा कॉप्स की रोजी रोटी जिस पे डिपेंडेंट है, उसके बारे में भी एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडियन गेमिंग मार्केट का ओवरव्यू कैसा है, क्या फीलिंग है लोगों में अबाउट द गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। सो लेट्स लुक इन टू इट। तो भाई ऑलमोस्ट 60 बिलियन डॉलर्स, US डॉलर्स पर ईयर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग फ्यूचर। तो भाई आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हो कि पीपल आर नाउडेज मूविंग टूवर्ड्स इट, दे आर लाइकिंग द लीजर, द फैंसी वर्ल्ड अराउंड देम। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है लोगों में, दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ देयर डेली रूटीन, दे वॉन्ट टू ट्राई डूइंग सच थिंग। सो गेमिंग इंडस्ट्री तो डेफिनेटली बढ़ रही है, चाहे वो हम देख रहे हैं पबजी का इतना बूम है, अबाउट एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं अबाउट पोकर, अबाउट तीन पत्ती, एवरीथिंग। सो एक तो ये इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट भी कर रहे हैं लोगों को, और लोग चाहते भी हैं इनमें जुड़ना। दे वॉन्ट देयर लाइफ टू बी अ थोड़ा सा कम स्ट्रेस ला सके इन गेम्स के थ्रू। सो दैट इज वाई इंडिया में तो डेफिनेटली गेमिंग इंडस्ट्री बूम कर रहा है। अब गवर्नमेंट तो बीच में आ ही जाती है सब जगह, गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स है रिगार्डिंग सच इंडस्ट्री इन इंडिया। तो सिर्फ 12 स्टेट्स में लॉटरीज ऑफर होते हैं, 6 स्टेट्स में हॉर्स रेसिंग होता है, और सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं, गोवा और सिक्किम, और एक यूनियन टेरिटरी ऑब्वियसली दमन, जिसमें कैसीनो गेमिंग अलाउड है। और इन तीनों ही जगहों पे, गोवा, सिक्किम और दमन में डेल्टा कॉप का प्रेजेंस है, बहुत ही बड़ा प्रेजेंस है। सो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ला रहा है, बट ऑब्वियसली नॉर्म्स तो चेंज होते रहते हैं, दे आर एक्सपांडिंग। अगर इंडिया में ना भी एक्सपांड कर पाए तो डेफिनेटली दे आर एक्सपांडिंग इन टू अदर कंट्रीज। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन नेपाल एंड दे आर लुकिंग टू एक्सपांड इवन मोर। सो ये थोड़ा कंस्ट्रेंट है अबाउट देयर एक्सपांशन, बट सिर्फ 3 स्टेट्स में होने के बावजूद भी ये कंपनी बहुत ही ज्यादा बूम कर रही है, बहुत ही ज्यादा डिमांड में है। लॉटरी और हॉर्स रेसिंग वगैरह थोड़ा फेमस है इंडिया में, कैसीनो थोड़ा सा पीछे रह गया है,
लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, कैसीनो भी कैसीनो गेमिंग भी थोड़ा सा आगे आ रहा है, उतना ज्यादा अभी टर्नओवर नहीं है व्हेन इट कम्स टू कैसीनो, बट डेफिनेटली इट इज इंक्रीजिंग। जैसे हमने ऊपर देखा कि 60 बिलियन पर ईयर का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर। बात करेंगे कैसीनोज की, तो कैसीनोज बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज देता है अपने कस्टमर्स के लिए। सो इट कुड बी लैंड बेस्ड, ऑफशोर हो सकता है, ऑनशोर हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस व्हेन इट कम्स टू द लोकेशन ऑफ सच कैसीनो फैसिलिटीज। सो ऑब्वियसली इनके पास 3 क्रूज ऑलरेडी है डेल्टा कॉर्प्स के पास, जहां पे आप क्रूज पे आराम से बैठ के चिल आउट कर सकते हैं। यू कैन हैव कोको, यू कैन हैव ड्रिंक्स एंड ऑल। सो दैट इज वन ऑफ देयर बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स फॉर डेल्टा कॉर्प्स टू हैव सच फैसिलिटीज अलॉन्ग साइड देम। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात हो ही रही थी, तो चेंजेस लाने की बात चालू हुई है एंड मोस्टली ये क्लियर भी हो जाएगा एंड बहुत ही जल्दा जल्दी न्यूज भी आ जाएंगे अबाउट इट कि सो चांसेस हैं कि हमें पॉजिटिव न्यूज मिल सकता है अबाउट देयर एक्सपांशन इनटू डिफरेंट एरियाज एज वेल। बात करेंगे अब ज्योग्राफिकल लोकेशन की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी इंडस्ट्री के जो की एरियाज है वो कहाँ पे हैं। तो इनके 3 मेन रीजन्स हैं जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं, विच इज गोवा, दमन एंड सिक्किम। तो ये हब्स हैं जहाँ पे टूरिज्म का बहुत ही बोलबाला है, पीपल विजिट देयर वेरी फ्रिक्वेंटली। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली विल बी विजिटिंग सिक्किम, गोवा तो भाई सब लोग जाते ही रहते हैं, एंड दमन इज वन ऑफ अदर प्लेसेस जहाँ पे टूरिज्म बहुत ही बूमिंग है। सो स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी गुड फॉर डेल्टा कॉर्प्स टू हैव देयर सर्विसेज एट सच प्लेसेस, क्योंकि अगर तीनों लोकेशंस की बात करेंगे तो हियर वी कैन सी कि जो मेजर पॉइंट्स हैं, वेदर दैट बी कोलकाता, हैदराबाद, नीचे बैंगलोर, चेन्नई, तो टूरिस्ट के लिए इवन जो अब्रॉड से आते हैं, तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे मैक्सिमम टूरिज्म होता है। एंड पीपल, एक बार अगर आप टूरिस्ट टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट आप इनके फैसिलिटीज भी यूज करेंगे ही करेंगे, बिकॉज दे आर दीज फैसिलिटीज आर रियली अट्रैक्टिव। वंस यू आप चिल आउट करने के लिए जा रहे हो तो आप डेफिनेटली इनके तरफ इंक्लाइंड होगे कि हाँ भाई चलो करके तो देखते हैं। सो दैट इज हाउ, एंड जो रेगुलरली खेलने वाले हैं वो तो है ही, सो दैट इज हाउ दे आर ग्रोइंग। दे आर इन टू अ मार्केट विच इज फैंसी, विच अट्रैक्ट्स पीपल ऑटोमेटिकली, एंड पीपल टेंड टू गो इन टू सच सर्विसेज वेन दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ स्ट्रेस एंड ऑल। फटाफट इनके फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं, डायरेक्टली मैं आपको स्क्रीनर्स पे इनके फाइनेंशियल दिखा रहा हूँ एकदम लाइव। तो आज है 27 तारीख एंड जो इनका मार्केट कैप है इज 2000 करोर्स का, बहुत ही अच्छा मार्केट, बड़ा मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है इनका 72.14 रुपीज का। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब जितना भी कैपिटल इन्होंने लगाया है उस पर रिटर्न्स मिल रहे हैं इनको 15.71% के। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, 9.90% चल रहा है। जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, मतलब इन्वेस्टर को कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है हर 1 रुपए कमाने के लिए, सो दैट इज 11.43 रुपीज। जो डिविडेंड यील्ड है इनका 1.92 है, कितना डिविडेंड दे पा रहे हैं ये लोग। तो जो हाईएस्ट प्राइस ये गई थी लास्ट 52 वीक्स में इज 224, एंड अभी ऑब्वियसली कोविड का सिचुएशन चल रहा है इसलिए 53 रुपीज तक गिर गई थी। मतलब अभी एक कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को इसमें एंटर करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। आते हैं इसके बैलेंस शीट पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत अट्रैक्टिव दिखता है कि जो इनका बोरोइंग्स है इज जीरो, दे डू नॉट हैव एनी बोरोइंग्स। जो बाकी के लाइबिलिटीज है, वी डू नॉट सी द रिजर्व्स बहुत ही अच्छे हैं इनके। जो अदर लाइबिलिटीज है आर 187 करोर्स ओनली, और जो इनके टोटल एसेट्स है इज 2000 करोर्स। सो अगर लाइबिलिटीज आपके कम है और एसेट्स इतने ज्यादा है तो डेफिनेटली कंपनी एक ड्राइविंग पोजीशन में रहती है, बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कंपनी के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द की हाइलाइट्स ऑफ डेल्टा कॉर्प्स की, उनकी लाइबिलिटीज बहुत ही निग्लिजिबल है व्हेन वी कंपेयर इट विद द एसेट्स। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है व्हाइल वी डिसाइड अबाउट इन्वेस्टिंग इन टू अ कंपनी और नॉट, कि उनके लाइबिलिटीज कैसे हैं और एसेट्स कितने। जल्दी से कैश फ्लो भी देख लेते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बहुत ही अच्छा इनको आ रहा है, 101 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो है इनका। और जो इनके मेजर जो खर्चे रहते हैं आर ऑब्वियसली इन टू लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग में
रेगुलरली इनको पे करना पड़ता है, और जो बाकी का इनका इन्वेस्टमेंट मेजर है वो हॉस्पिटैलिटी, मतलब इनको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही खर्चा करना पड़ता है। तो मेजर जो इनके खर्चे हैं आर इनटू लाइसेंसिंग, इनटू गवर्नमेंट का जो भी प्रोसीजर रहता है, एंड इनटू एक्सपांडिंग, दैट इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। बट इनका कैश फ्लो रुकता नहीं है क्योंकि पूरा एक कैश बेस्ड इंडस्ट्री है, तो कैश इनके पास भर भर के रहता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर कंपनी। भाई अगर हाथ में रोकड़ा रहता है तभी कंपनी चलती है, और इस मामले में डेल्टा कॉर्प्स का बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे कि भैया इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इनके जो की फीचर्स है, जो इनके प्रोज हैं, वो है कि पहले तो दे आर द फर्स्ट, दे हैव द मूविंग एडवांटेज कि सबसे पहले आए थे इस इंडस्ट्री में एंड बहुत ही अच्छे से इन्होंने कब्जा करके रखा है इस मार्केट पे। सेकेंड इज कि इनका डेट बहुत कम है। एक कंपनी बहुत ही अच्छा करती है जब इनका डेट निग्लिजिबल रहे, और वर्चुअली ये डेट फ्री है, तो दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज फॉर डेल्टा कॉर्प्स। गेमिंग इंडस्ट्री इंक्रीज हो रही है डे बाय डे इन इंडिया, सो दैट इज अनदर एडवांटेज फॉर डेल्टा कॉर्प्स। और इनका कैश फ्लो तो रहता ही है क्योंकि पूरा इनका जो बिजनेस है वो कैश इनफ्लोज पे डिपेंडेंट है, सो दैट इज अनदर एडवांटेज फॉर डेल्टा कॉर्प्स। जो डिसएडवांटेज है डेल्टा कॉर्प्स पे, तो सबसे बड़ा चीज आ जाता है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करती है व्हेन इट कम्स टू गैम्बलिंग गेम्स, सो वो एक रुकावट है डेल्टा कॉर्प्स के ग्रोथ में। लाइसेंसिंग में इनको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, सो एक जो मेजर खर्चा जो इनका आता है आउट ऑफ देयर प्रॉफिट्स इज इनटू लाइसेंसिंग, क्योंकि एनुअली इनको रिन्यू करना पड़ता है एंड इट गोज ऑन ऑन एंड ऑन, सो दैट इज वन ऑफ लाइबिलिटीज यू कैन से फॉर डेल्टा कॉर्प्स। तो इनका जो प्रेजेंस है वो तीन मेजर रीजन्स में है, विच इज सिक्किम, गोवा एंड दमन। जो दमन का प्रेजेंस है वो उतना अभी फंक्शन में नहीं है, सो वहां से रेवेन्यूज उतना जनरेट नहीं हो रहे हैं, वेरस गोवा एंड सिक्किम में बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही है। एंड दमन में इसका काम चालू है, अभी फंक्शन में उतना नहीं है, एंड एज सुन एज इट कम्स इन टू फंक्शन तो वहां से भी प्रॉफिट्स आना चालू हो सकते हैं। सो दिस वॉज द ओवरऑल व्यू अबाउट डेल्टा कॉर्प्स की कैसे ये फंक्शन कर रही है, क्या इनके की इन्वेस्टमेंट एरियाज है, कहाँ कहाँ ये फंक्शन करती है, इसमें पैसे क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि अब प्रॉफिट्स तो ऑब्वियसली ये कर ही रही है, एंड हमारे पर्सनल व्यू में एक बहुत ही अच्छा टाइम है इस स्टॉक में एंटर करने के लिए, क्योंकि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है आज के डेट में इज 82 रुपीज पर शेयर। तो इसका ग्रोथ अगर हमारे एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में डेफिनेटली 100% ग्रो करने का चांसेस है, सो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इन्वेस्टर्स विल बी लुकिंग फॉरवर्ड इनटू दिस स्टॉक एंड दे'ल बी फाइंडिंग कि हाँ इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है, दिस इज आवर एनालिसिस आवर थिंकिंग, सो या दैट इज व्हाट वी हैव डन फॉर यू रिलेटेड टू डेल्टा कॉर्प्स। क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप खुद ही हमारा पूरा प्रेजेंटेशन देखिए, इनके फाइनेंशियल्स देखिए, क्या इनके एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस सब कुछ देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। दिस वॉज फ्रॉम आवर साइड, दिस वॉज ऑल द हेल्प वी कुड गिव यू, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, आई होप ये हेल्प करेगा आपको। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं। शेयर भी करिए, दूसरों के पास भी ये इन्फो पहुंचने दीजिए, उनको भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा अपना इंटरेस्ट बढ़ाने दीजिए। थैंक यू गाइस, दिस वॉज अबाउट डेल्टा कॉर्प्स फ्रॉम अस, विल बी कमिंग अप विथ अनदर वीडियोज वेरी सून, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।